कॉपी को बंद ही कर दो अब तो, थोड़ा सा है ना, कर दो, लिख लिया बस, लिखना था। अब ये बात घर से लिख के ले आते ना तो सोने पे सुहागा हो जाता, पर कोई बात नहीं, ठीक है, अभी भी नहीं गया है। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी भाई बहन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन मतलब किसी भी परिस्थिति में, समझ गए ना, तो मेरे जैसे अंग्रेजी समझ में कम आती है ना, क्लास मिस नहीं करनी है, मेरी नहीं मतलब ऐसे नहीं कि कहीं आप बांध हाथों के मेरे पीछे पड़ जाओ, है ना, ठीक है, किसी भी कंडीशन में किसी भी शिक्षक की क्लास को मिस नहीं करना है। क्योंकि आप एक चीज थोड़ा सा नोटिस करना, जिस दिन आप नहीं आते हो ना, दिन घर पे ये टेंशन रहती है आज वहां क्या चल रहा होगा, देखने को तो मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन एक तो वास्तविक रूप से देखा जाए, मोबाइल में देखा जाए, आनंद तो यही आता है ना, आनंद तो यही आता है ना, ज्यादा भी आनंद मत लेना है ना, आनंद तो यही आता है। अब उसमें ये रहेगा कि जैसे रोजाना का काम रोजाना करें आप, होमवर्क भी आप घर जाके डेली करें, ठीक है। और मैंने कल भी एक बात कही थी, परसों मतलब कल का मतलब परसों, ठीक है, कि प्रैक्टिस पेपर खरीद लो, प्रैक्टिस पेपर खरीद लो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये मैं 3 दिन तक कहूंगा लगातार, वो इसलिए कहूंगा क्योंकि क्या है, बुलक्कर टाइप के आदमी है, ठीक है, बुलक्कर टाइप के आदमी है। देखो सीरियसली बहुत जरूरी है, वर्तमान डिमांड है कि आपकी नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, चलना आ जाओ। अब यहां पे समझना थोड़ा सा, मैंने अभी कहा कि एक साइड जो था पर्वत, कौन सा उद्भव हुआ, कुनलुन पर्वत। आप वर्ड मैप पर देखोगे तो इस टाइप से आपको एक पर्वत दिखाई दे जाएगा जिसका नाम क्या होगा, कुनलुन पर्वत। मैं इसको यहां पे देखो लिख भी देता हूं, कुनलुन पर्वत, बीच में एक समतल पठारी भाग बन गया था, इसे कहा गया था क्या, तिब्बत का पठार। क्या कहा गया था, तिब्बत का पठार यहाँ पे, और ये तिब्बत वाले रीजन में ही है पूरा का पूरा। कहाँ पे है ये, तिब्बत वाले रीजन में है, ध्यान रखना कहाँ पे है ये, तिब्बत वाले रीजन में है, ठीक है, चलना। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा और आगे आओगे ना नीचे की साइड में, यहाँ पे एक पर्वत ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है, हिमालय, ये इस तरीके से, इस तरीके से कंटिन्यूसली एक श्रृंखला बनी हुई है, कंटिन्यूसली क्या, श्रृंखला बनी हुई है। अब यहां पे कई बार हमसे पूछ लिया जाता है जैसे इसका नाम हमने क्या रखा, हिमालय, ठीक है, समझना चीजों को ध्यान से। और यहां पे इसका नाम क्या रखोगे आप, तिब्बत का पठार, ठीक है। और यहां पे भी एक छोटा सा पठार पड़ेगा यहां पे, इस वाले पठार को कहा जाता है पामीर का पठार। क्या कहा जाता है, पामीर का पठार। अब एक नाम और देंगे, लेकिन वो क्यों देंगे मैं आपको बताऊंगा। यहां पे इस साइड आप देखोगे तो यहां पे इस साइड एक पर्वत पड़ेगा और एक इस साइड पड़ेगा पर्वत, ठीक है। यहां पे जो पर्वत पड़ेगा उसका नाम होगा हिंद, क्या नाम होगा, हिंदू कुश, ठीक है। और इधर जो माउंटेन पड़ेगा उसका नाम होगा ताइसेन, या ताइसेन माउंटेन बोलते हैं, ताइसेन माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ध्यान देना, जैसे इस साइड पर्वत है, यहां पे पर्वत है, यहां पे, और ये बीच में कौन है, तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार, सॉरी पामीर का पठार, क्षमा करें, पामीर का पठार। अब जैसे पठार जो है ना वो इसको अलग नाम से जाना जाएगा, इसे पामीर की ग्रंथि कहा जाता है। पामीर की क्या कहा जाता है, ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है जब भी कोई पठारी प्रदेश किसी अन्य पर्वतों से चारों तरफ से क्या वो घिरा हुआ हो, तो क्या कहा जाएगा, ग्रंथि कहा जाएगा। एक होता है अंत पर्वतीय पठार, क्या होता है, अंत पर्वतीय पठार। जैसे भारत में कोई है क्या अंत पर्वतीय पठार, लद्दाख का पठार अंत पर्वतीय पठार है, लद्दाख का पठार कैसा है, अंत पर्वतीय। अंत पर्वतीय का मतलब होता है कि जब एक ही पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं से चारों तरफ से क्या हो घिरा हुआ हो, विभिन्न श्रृंखलाओं से चारों तरफ से क्या हो घिरा हुआ हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अंत पर्वतीय पठार कहेंगे। क्या कहेंगे, अंत पर्वतीय। और जब विभिन्न श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रंथि। अब कई बार पामीर का पठार नहीं देते, पामीर की ग्रंथि दे देता है, क्या दे देता है, पामीर की ग्रंथि। तो यहां पे मैं सिंपली लिख रहा हूं पामीर की ग्रंथि, इतना बात को ध्यान से, पामीर की ग्रंथि। यहां पे आप थोड़ा आगे आओगे ना इस वाले पोर्शन में, यहां पे, यहां पे कौन सा कंट्री है,
अरे म्यांमार है, कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के अंदर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है अराकोनयोमा। कौन सा है? अराकोनयोमा। अब हमसे एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछना स्टार्ट करेगा कि भाई ठीक है आपने ये तो सब बता दिया, अब मुझे ये बताना स्टार्ट करो कि भाई हिमालय कहां से लेकर कहां तक है। पामीर की ग्रंथि से लेकर अराकोन योमा तक है। पामीर की ग्रंथि से लेकर अराकोन योमा तक है, ये बात आप कह सकते हो क्या? अरे कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। इसके यहां दक्षिण में आप आओगे हिमालय के, तो दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। अब ये उत्तर का विशाल मैदान जो है वो नया है। वो क्या है? नया है। नया इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष, देखो नए के पीछे दो रीजन है, विशाल मैदान के निर्माण के पीछे जो नवीन होने के पीछे दो रीजन है। एक तो ये कालखंड के अनुसार नया है, दूसरा क्या है, यहां पर प्रतिवर्ष नदियां अपने साथ जितने भी अवसाद बहाकर लाती है ना, उनको इस मैदान वाले भाग में लाकर क्या करती हैं? जमा करती हैं। यानी यहां पर प्रतिवर्ष नई मृदा का क्या होता है? जमा होता है। लेकिन इसमें भी समस्याएं हैं, पूरे मैदान में नहीं होता, पूरे मैदान में नहीं होता, इसलिए यहां पर अलग अलग स्थलाकृतियां बांट दी। जैसे इस वाले रीजन से अपने को पता है कि इस मैदान में आप जाओगे तो मेन रूप से नदियां इस साइड ज्यादा बह रही हैं। एक सिंधु है जो ऊपर से हिमालय को काटते हुए निकल गई, अन्यथा इस साइड से धीरे धीरे निकलती है ना सारी की सारी, वो इस साइड ही अपना जल लेकर आती है। मतलब इस ओर ढलान है, इस ओर क्या, इसमें ढलान है। अब नदी जब भी कोई पहाड़ी क्षेत्र से निकलेगी ना, तो आप देखो जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, यहां से नदी निकल रही है। अब यहां से नदी निकल रही तो इस वाले भाग का क्या करेगी? कटाव करेगी, और अपने साथ जितने भी मोटे पत्थर हैं उनको तोड़कर लाएगी। अब क्या मोटे पत्थरों को नदी ज्यादा दूर तक ले जा सकती है क्या? नहीं। नदी को जो है इसे तलैटी वाले भाग में क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। फिर थोड़े और बारीक कंकर पत्थर होंगे उनको थोड़ा और दूर तक लाएगी, फिर और दूर तक, और जो बारीक कण होंगे उनको सबसे लास्ट तक लेकर आएगी। और बारीक कण आपको पता है लास्ट में तो आपके मृदा के कण ही बच जाते हैं। किसके कण? मृदा के कण ही बच जाते हैं। उनको सबसे लास्ट में लाकर क्या करेगी? डिपोजिट करेगी। तो इन विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर इस मैदान के भी अलग अलग नाम आप पढ़ोगे। जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं, आपने भाबर प्रदेश पढ़ा होगा, आपने तराई पढ़ा होगा, आपने बंगर पढ़ा होगा, आपने खादर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझ रहे मेरी बात को? चिंता मत करना। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये जो बीच वाला भाग है यानी इसे दक्षिण में किसके द्वारा कवर किया गया है? उत्तर के विशाल मैदान के द्वारा कवर किया गया है। और उत्तर का विशाल मैदान तब बनेगा जब हिमालय से नदियां प्रवाहित होंगी। हिमालय से क्या है? नदियां प्रवाहित होंगी। अब एक चीज विशेष ध्यान देने की बात है, क्या ये हिमालय पामीर की ग्रंथि से लेकर अराकोन योमा तक फैला हुआ है? ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई ठीक है, इसकी लोकेशन तो आपने बता दी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। अब इसमें भारत के राज्यों को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर भारत के राज्य आपसे पूछता है तो देखो लद्दाख है, जम्मू है, एचपी है, उत्तराखंड है, फिर किसी राज्य का नाम नहीं लेना है, डायरेक्ट चलो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले भागों में इसकी जो है ना शाखाएं फैली हुई हैं। मुख्य हिमालय नहीं है, ध्यान रखना, मुख्य हिमालय नहीं है, मुख्य हिमालय नहीं है, बात क्लियर रहेगी। अब एक चीज थोड़ा सा और ध्यान से देखना हल्का सा, आप देखोगे कि इस साइड, ये साइड जो हिमालय का है ना, ये साइड है पश्चिमी साइड, कौन सा है? पश्चिमी साइड। और ये साइड कौन सा है? पूर्वी साइड। अब मुझे एक बात बताना, इसमें आपने कहीं गलती से पढ़ा हो तो एक चीज मुझे बताना कि इसके पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा है या पूर्व में? पश्चिम तो कितने लोग मानते हैं? एक दो। पूर्व में कितने लोग मानते हैं? ये और क्या मानते हैं? जो बैठ जाए उसे मान लेंगे, है ना? देखो ध्यान देना, ध्यान देना हमेशा एक चीज कि जिस साइड ऊंचाई ज्यादा होगी ना, साइड सीधी सी बात है चौड़ाई कम होगी। प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर जाके कर सकते हो, कागज का टुकड़ा देना भाई, ठीक है? आप तो चाहो तो कोई, अगर इनमें हाथों में अभी बाजुओं में ताकत है ना, तो कोई प्लेट ले लेना, स्टील की प्लेट, जो तो घर पे काम नहीं आ रही है ना। बाद में ऐसा नहीं हो कि प्रैक्टिकल के बाद में फिर घरवाले प्रैक्टिकल करें, है कि नहीं? उस प्लेट को लेना और उस प्लेट के ऊपर फोर्स डालना स्टार्ट करना। अब आप जितना ज्यादा फोर्स डालोगे प्लेट उतना ही ज्यादा मुड़ जाएगी, मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? अब इसमें देखो यहां पे ये नीचे इसकी चौड़ाई है ये कम होती जा रही है, ऊंचाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है।
तो सीधी सी बात है जिन एरियाज के अंदर हिमालय की ऊंचाई ज्यादा होगी ना, वहां पे सीधी सी बात है चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। और जहां पे ऊंचाई कम है इसका मतलब वहां चौड़ाई ज्यादा रहेगी। अब इसके पीछे रीजन एक था, मैं आपको बता देता हूं, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई क्या है, कम है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो प्लेटें थी ना उनके ऊपर पश्चिम के साइड में तो आपके बल कम लगा था, पश्चिम के साइड में तो बल कम लगा था, और जो पूर्व का साइड था उस पे बल ज्यादा लगा, बल ज्यादा लगा, तो वहां पर जो है ना आपके भाग हिमालय का अधिक ऊंचाई प्राप्त कर गया, हिमालय का भाग अधिक ऊंचाई क्या है, प्राप्त कर गया। प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहते हो तो घर जाके मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, कर लेना। यहां समझ में आ गया तो ठीक है ना, पक्की बात है ना, चलना। दूसरी बेसिक बात, अब यहां पे कई बार इनकी औसत चौड़ाई पूछ लेता है, पश्चिम में तो रखनी है याद, सॉरी पूर्व में तो 250 और पश्चिम में इसका दो गुणा कर देना कितना, 500। क्यों को क्लेश पैदा मत करना कई किताबों में। अब देखो अभी तक तो आपने मैच नहीं किया किताबों से, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना, मैं यहां क्लास में देखो कोई चीज आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूं, तो और कोई चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि गलत इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं 10 जगह से कंफर्म होता हूं तभी कोई चीज पढ़ाता हूं। मेरा एक हमेशा से रूल रहा है कि चाहे मैं चीजें कम पढ़ा दूं लेकिन जो चीजें पढ़ाऊंगा सटीक पढ़ाऊंगा भाई, उसका मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अब किताबों में क्या है, गाइडों में तो क्या होता है कि भाई जैसे मान लो एक गाइड अगर छप गई ना तो दूसरी गाइड भी वैसी छपेगी, क्योंकि कॉपी कट पेस्ट होता है लगभग, कॉपी कट पेस्ट होता है लगभग, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, आप जो भी पुस्तक खरीदे ना किसी लेखक विशेष की खरीदें, जो भी खरीदें, पहली बात तो अंतरात्मा से पूछ लेना, जरूरत ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ लोगे वही बहुत है, ये पढ़ लोगे वही बहुत है। बाकी अगर खरीदना तो किसी लेखक विशेष खरीदना, उससे क्या होगा कि वो ऑथेंटिक डेटा आपको देगा। तो यहां मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा उसमें से 10% चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके मार्केट के नोट से या अन्य किसी कोचिंग के नोट से या फिर अन्य किसी पुस्तक से मैच नहीं खाएंगी, ठीक है, चिंता मत करना। हाँ डाउट स्वरूप आप पूछ सकते हैं, सर मैंने इसको वहां ये पढ़ा था कि ये हो सकता है क्या, फिर मैं उसका कोई भी अगर बीच का अल्टरनेटिव कोई मार्ग होगा तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है, बाकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है ना। क्योंकि मैंने यहां इसलिए ये बताया क्योंकि कई बुक्स में या कई शिक्षकों द्वारा बताया जाता है इसकी औसत चौड़ाई जो है ना वो बताई जाती है यहाँ पर 367 किलोमीटर, तो किसी भी कंडीशन में सही नहीं है, किसी भी कंडीशन में सही नहीं है, ध्यान रखना। कि यहां पर इन्होंने जो डेटा लिया है ना ये मैक्सिमम का डेटा लिया है, यहाँ एवरेज डेटा पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, एवरेज डेटा पूछेगा, एवरेज डेटा कितना आता है, 250 आता है, ध्यान रखना कितना आता है, 250, तो आपको ध्यान रहेगा दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है ना, चलना। तो अब हेडिंग लगा के लिखना, लिखना हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार। देखो हिमालय की उत्पत्ति पढ़ ली ना आपने, अरे दो सिद्धांत दोनों पढ़ लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, पक्की बात है ना। तो लिखो हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार। अब मैं तो यही कहूंगा आपसे कि एक बार इस चित्र को बना ही लो तो थोड़ा ठीक थे, ऐसा मेरा मानना है। वो ताइसेन पर्वत है, ध्यान रखना, ताइसेन, ताइसेन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसको ऐसे कैसे बना लो थोड़ा सा ना। और एक और चीज का ध्यान दें आप, जो मेन नोट्स बना रहे हैं ना ऐसी कॉपी में बनाए, आपको क्या मैंने पहले पहले दिन भी कहा था, इसमें डायग्राम जो बनाओगे ना थोड़े स्पष्ट दिखेंगे, ठीक है, और इतने अच्छे नोट्स बनाओ कि आपको पढ़ने का मन करे उनको ना। इसके हिमालय के जस्ट दक्षिण में करना चाहो तो कर देना उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और मैक्सिमम जो ग्राफिक्स बनाएंगे अपन खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे तो थोड़ा सा आप बनाने की प्रैक्टिस भी खुद से कर लोगे, ठीक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, एक दो बार दिक्कत आएगी फिर हो जाएगा सेटलमेंट, ठीक है। अराकोन योमा पर्वत म्यांमार में है, ध्यान रखना,
मैं इसको बाई लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा, निश्चिंत रहना आप, ठीक है, चलना। आजकल का जो खान पान का स्तर है ना, उसको देखते हुए 20 से 30 साल, 20 से 30 साल मतलब जो उम्र होती है ना हमारी, वहां तक कुछ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। मैं तो फिर कह रहा हूं 100% ऊर्जा झोंक दो, 1 साल में काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे राजस्थान की विद्यार्थी खास विशेषता और होती है, वो दीवाना, मन्ना किसी को करता नहीं है, करता किसी के पाप का ही नहीं है, है ना। हम मना करके अगले को नाराज भी क्यों करें, है कि नहीं। इसमें फायदा आपका ही है। मैं किसी दिन आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई अब नौकरी लगी तो एक महीने की सैलरी मेरे को दे दे, ठीक है, नहीं नहीं फायदा आपका ही है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। चलें, नाली होगा ना आपने अब तक, ठीक है भाई। नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, दिख रहा है सबको, चलना लिखो पॉइंट बनाकर, लिखना हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार लिखो। इसका विस्तार, इसका विस्तार, पॉइंट बना के लिखना हिमालय का विस्तार, लिखना इसका विस्तार पामीर की ग्रंथि, पामीर की ग्रंथि। अब दिमाग में फिर कीड़े खाएंगे, पामीर की ग्रंथि कहां पर है, नहीं वो रही एग्जाम में, ऐसे बताओ कि वो रही, नहीं ना। लिखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, इन तीन कंट्रीज के नेम लिख दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। अच्छी ब्रैकेट कर दो बंद। पामीर की ग्रंथि से लेकर, पामीर की ग्रंथि से लेकर अराकोनियोमा, अराकोनियोमा और अराकोनियोमा कहां पर है, म्यांमार में, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास चित्र में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अराकोनियोमा म्यांमार तक दिखाई देता है, म्यांमार तक दिखाई देता है, फिर पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखना इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। अब देखो ऐसे तो खैर इतना बेकार तो नहीं ना एग्जामिनर, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा आरपीएससी में थोड़ा सा कुछ व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा बदनाम है, ठीक है, और जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन और बदनाम हो जाएगी, ठीक है। बात है देखो, बहुत से लोगों को तो यही शंका रहेगी कि कहीं से पेपर कबाड़ के पास हुआ है ना, सोचने तो उनका क्या है सोच, ठीक है। आपसे पूछा था ये तो हिमालय है उसका विस्तार क्या पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देता है, है? अरे पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इसकी श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पैरलर है एक दूसरे के, क्या है, पैरलर समानांतर है,
तो ये बात तो आपने पहले लिख ली थी भाई, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, समानांतर चलेंगे, तभी तो इसे श्रृंखला कहेंगे, तभी तो इसे क्या कहेंगे, श्रृंखला। तो लिख लो, लिखना हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, रहेगा परीक्षा तक, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। फिर लिखना हिमालय की, हिमालय की पश्चिम में, हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक, हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक, और अधिक के ब्रैकेट में क्या लिखोगे सर, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चौड़ाई अधिक तथा ऊंचाई कम है, जबकि जबकि पूर्व में, जबकि पूर्व में, जबकि पूर्व में क्या लिखोगे, उल्टा मतलब ऐसे उल्टा मत लिख देना, कैसे, ऊंचाई अधिक तथा चौड़ाई कम है, कि पूर्व में ऊंचाई अधिक तथा चौड़ाई कम है, और चौड़ाई कितनी लिखोगे भाई, 250 किलोमीटर, आधा लिख दोगे इसका, आधा लिख दोगे इसका, हाफ कर देना, ध्यान रहेगा। अब हमें ये तो चीजें पता है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस हमें ये भी पूछ ले कि क्या कारण रहा होगा कि पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व की ओर चौड़ाई कम है, क्योंकि जो प्लेटें थी उनके ऊपर पश्चिम की ओर दबाव कम था जबकि पूर्व की ओर दबाव क्या था, अधिक था। तो लिखना इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि प्लेटों पर, प्लेटों पर, प्लेटों पर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर प्लेटों पर पूर्व की ओर दबाव अधिक था, दबाव अधिक था, जबकि जबकि पश्चिम की ओर, जबकि पश्चिम की ओर, जबकि पश्चिम की ओर दबाव कम था। दबाव कम था, ठीक है, बात याद रहेगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना, चलना। अब ये चीजें तो, यहां तक की चीजें तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी शायद, ठीक है। देखो हिमालय का मुख्यतः विस्तार, हिमालय का मुख्यतः विस्तार भारत के, भारत के, लिख लो थोड़ी बाद में फिर दिखाएगा दिमाग, भारत के लद्दाख, भारत के लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अब मैंने कहा था कि असम, फिर इधर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे इसकी शाखाएं होंगी, यहाँ पे इसकी शाखाएं होंगी, मुख्य हिमालय नहीं होगा। ऐसे तो थोड़ी सी शाखाएं आप देखोगे पश्चिमी बंगाल के अंदर भी होंगी, पश्चिम बंगाल के अंदर आप हिल स्टेशन पढ़ोगे ना, दार्जिलिंग पढ़ोगे तब आएगा थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन मुख्य के साथ जोड़ के नहीं देखना है, मुख्य के साथ कौन कौन से हो जाएंगे सर, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर कंट्री वाइज पूछता है तो आप क्या बताओगे सर, कंट्री वाइज इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, म्यांमार में नहीं है, म्यांमार तक है, म्यांमार में नहीं है, म्यांमार तक है। मैंने क्या लिखवाया था, अराकोनियोमा पर्वत म्यांमार तक है, में नहीं है, क्या कहा, तक है, में तकमेर में भर के ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा शब्दों का खेल है भाई, ठीक है। अब इसमें बाल की खाल मत निकालना,
बाल की खाल मत निकालना, क्योंकि इतना डेप्थ में हमारे आता ही नहीं है। पता चला बाल खाल निकालने गए थे और ये पड़ा जो और हाथ से निकल गया। कि कई बार क्या होता है बच्चा, एक चीज देखो हमारी फितरत है ऐसी, शादी ब्याह में सब जाते हैं ना। अब क्या है शादी ब्याह में ट्रेंड, देखो ट्रेंड हर हिसाब से बदलता है, ट्रेंड बदलता है। जैसे एक टाइम जिसके पास साइकिल हुआ करती थी ना, एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है ना उसकी वैल्यू है। अब जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है ना के पास घर में साइकिल रखना मजबूरी हो गई। खा खा के इतना भारी हो गया कि अब साइकिल पे आना पड़ रहा है। किस पे आना पड़ रहा है? साइकिल पे। सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है, जहां से गए ना वहां से वापस गुजरना पड़ेगा, वहां से वापस गुजरना पड़ेगा, ठीक है। एक समय था कि हमारे जब गांव में जिमनार होता था ना, तुम भी पुंगतम बैठ के आनंद कुछ और ही आता था। आधा ध्यान चप्पलों पे होता था और रायता वाला दूर से देखते ही सट था ना, वो बेचारा हिलता ही नहीं था, है ना, आनंद आता था ना, ठीक है। और वो चप्पल भी पहनी होंगी आपने, वो गांव में चप्पल हवाई चप्पल है ना, जिसपे वो मतलब ऊपनी से निशान कि मिल नहीं जाए कहीं, है ना, पता था ना। तो दिन कुछ और ही थे। फिर ट्रेंड आया कि लोग खड़े होकर जिम रहे हैं, ठीक है। अब शादी ब्याह में खड़े खाने में समस्या ही समस्या है, सेम समस्या आपके साथ भी अभी यहाँ हो रही है। वहां क्या होता है कि जैसे ठीक है आपकी प्लेट में रसगुल्ले थे, पड़ोसी की प्लेट में गुलाब जामुन दिख गए, आपको टेंशन हो गई लाया कहाँ से है, मैं तो सारा घूम लिया मिला ही नहीं है। अब उस रसगुल्ले को लेके घूम रहे हैं, गुलाब जामुन के चक्कर में किसी ने धक्का दे दिया वो नीचे। तो इसलिए जितना आ गया कॉपी के अंदर, जितना प्लेट में आ गया पहले उसको खा लो। अभी कईयों के दिमाग में हिमालय चल रहा है, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है, उत्तर का विशाल मैदान में क्या होगा। अरे वो मिल जाएगा भाई, वो मिल जाएगा, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो इसलिए जो पहले आ गया ना उसको फ्री करो। बाद की बातें हैं, किस्मत में रहा तो गुलाब जामुन मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, रसगुल्ले जब हाथ में आ गए तो, ठीक है चलना। और इतना ही खाएं अगले पांडाल तक चले जाएं। शादी ब्याह में पहले फास्ट फूड लगाते हैं ताकि आधे लोग तो वहीं मर जाते हैं फास्ट फूड पे, है ना, है कि नहीं। फिर बाद में पता चला इसमें तो और अच्छी अच्छी मिठाइयां थी, अब कहाँ खाएगा कहाँ, है कि नहीं है। कुछ तो चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य, बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत आराम से लिमिटेशन से चलते हुए चलेंगे, आराम से पूरी मतलब शादी मतलब पूरी क्लास का आनंद लेंगे, समझे मेरी बात को। चलना आ जाओ वापस धरातल पे, देखो पॉइंट बनाकर। तो ये विस्तार हो गया। अब कंट्री पूछे तो आप कंट्री क्या लगाओगे, ब्रैकेट में लिख दो इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। अगर कंट्री वाइज पूछता है तो मेन मेन कंट्री मैंने लिखवाए हैं, ध्यान रखना मेन मेन कंट्री मैंने लिखवाए हैं, इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है ठीक है। और मेन पार्ट तो इंडिया और नेपाल ही कवर कर रहा है, मेन पार्ट तो कौन कर रहा है, इंडिया और नेपाल, क्योंकि चाइना के अंदर तो इसका थोड़ा सा भाग है, वो कैलाश पर्वत वाला भाग है, वो भी तिब्बत में है, चाइना में तो नहीं है, लेकिन अब चाइना ने तिब्बत को क्या कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, ठीक है। तो वहां से समस्या है थोड़ी सी, तो बताइए ये चीजें समझ में आ जाएंगी, विस्तार को लेकर कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, पक्की बात है ना। चलना अब ध्यान देना, अभी इसके कुछ फोटोज मैं आपको और बना के दूंगा हिमालय के, अभी तो मान के चलो स्टार्टिंग हुई है। अब यहां से आगे चलते हैं, इसका वर्गीकरण कर दें क्या, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दें इसका, तो लिखो हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण मैं आपको बता दूं उसी को याद रखना खाली, ठीक है चलना। परीक्षा में नहीं करवाएगा, परीक्षा में क्या होगा कि वर्गीकरण से प्रश्न आएंगे सीधे सीधे, वर्गीकरण से क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे कि भाई जैसे आपको वर्गीकरण में कोई नाम दे रखा है तो उसकी विशेषताओं को लेकर कोई प्रश्न पूछ लेना, तो वो अलग एक बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है ना भाई,